आप लोग देख रहे होंगे निम्रा कितना तैयार हुई है, जैसे निम्रा शादी पर जा रही है। बेसिकली मेरा एक चैनल है, इंटरव्यू करना था, तो इसलिए मैं इतना तैयार हुई। लेकिन मुझे याद आया कि निम्रा तूने तो बाल भी कटवाने थे, 1 बजे की टाइमिंग थी, तो फिर मैंने सोचा कि तैयार हो जाती हूँ, बाल भी कटवा लूंगी, एक व्लॉग भी बना लूंगी और साथ ही साथ वो इंटरव्यू भी दे दूंगी। तो क्योंकि मेरे बाल जो थे वो बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे, कुछ साल पहले ना मैंने करवाया था हेयर कलर, तो वो ऊपर से तो मेरे बालों का रियल कलर है लेकिन नीचे से अभी भी कुछ है। तो मैंने सोचा कि अलग सा हेयर कट देते हैं, बाउंसी सा, और उसके अलावा जो है वो बालों को एक नई दुनिया देते हैं। अच्छा ठीक है, समझ गया। और दूसरा आप देखे होंगे कि मैंने माइक ले लिया, क्योंकि अक्सर ही मुझे लोग कहते थे कि आपकी आवाज नहीं आती, आवाज नहीं आती। तो मैंने सोचा कि मेरी आवाज आपके कानों तक चीख के पहुंचे, ओहो चीख के पहुंचे, आपके कानों के साथ पर्दे फाड़े, तो इसलिए मैंने माइक ले लिया है ताकि मेरे ब्लॉग अच्छे बन सके। तो आज हम जाएंगे हेयर कट करवाने, फिर उसके बाद इंटरव्यू करवाने। तो मैं अपनी आज की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि आज है जुम्मा, तो मैंने पहनी है शलवार कमीज और मैं बहुत लग रही हूँ प्यारी। ओह माय गॉड, वाओ। तो तैयब भी आ गया, हम चलते हैं एमएम आलम शुमाइलास ब्यूटी सलून, लेट्स गो। तो मैं और तैयब आ चुके हैं शुमाइलास ब्यूटी सलोन। तो मुझे पीआर मिली थी, मतलब वैसे फ्री में आप बाल कटवा सकते हैं, तो मैंने सोचा कि नेकी और पूछ मैं तो जरूर कटवाऊंगी, मैं कटवाना भी चाह रही थी। तो आप अपना मुंह साइड पे करें, तो चलते हैं सलोन के अंदर और देखते हैं कि कौन सा कट मुझे करवाना है, और लेट्स गो। ऐसे नजर आने चाहिए मेरा बाल, ठीक है, मेरी शक्ल भी, मैं प्यारी लग रही हूँ, नहीं लग रही? गोला कब मिलेगा? गोला मेरा मेकअप उतार देंगे तो फिर मैं आगे कैसे जाऊंगी? मेरा मेकअप ना उतारिएगा, ये है ना, मेरा मुंह चिट्टा लग रहा है, मेरा माथा काला लग रहा है, ठीक है। तो मेरा हेयर वॉश हो चुका है, अब ये करेंगे मेरी हेयर कटिंग, क्योंकि मुझे चाहिए थी वो ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो। तो मैं पिक्चर शेयर कर दूंगी कि मुझे कैसी हेयर कट चाहिए थी, मैंने उनको दिखा दिया। और मेरी मामा ने मुझे कहा था कि निम्रा अगर तूने बालों की लेंथ कम कराई तो तुझे घर घुसने नहीं दूंगी, तो बालों की लेंथ को नहीं हम छेड़ेंगे, लेकिन मेरे थोड़े थोड़े से जो रफ रफ से बाल हैं उनका हम कंडम करेंगे, उसको कटवाएंगे और साथ साथ हम इंजॉय करेंगे अपना गला। ये पहला सैलून मैंने देखा है जहाँ पर गोला भी मिलता है खाने को, साथ साथ इंजॉय भी हो जाए और काम भी हो जाए और पता भी ना चले। तो अब ये मेरा हेयर कट स्टार्ट करने लगी है, पहले ये मेरे बालों की पार्टीशन कर रही है ना, आप बकरे बकरे कर लिया ने। तेल लगा लगा के बाल लंबे किए और अब कटवाने आ गए, कोई हिसाब नहीं है मेरा। जो हेयर कट था वो हो चुका है, मैंने ज्यादा बाल छोटे नहीं करवाए, मतलब सीधा करवाया उनको, और जो गंदे बाल थे वो कटवाए हैं और जो है वो इनका फ्लिप्स कटवाया। अब ये ड्राई होंगे और आपको मेरा अच्छा सा हेयर स्टाइल नजर आएगा, तो अब ड्राई करते हैं। मेरे बाल जो हैं वो इन्होंने ड्राई कर लिए हैं, और मुझे ना अभी अंदाजा देखकर हो रहा है कि वो जो कट जो मैं चाहती थी बिल्कुल वही हुआ है। तो अब जो है वो इसको ब्लो ड्राई करेंगे और क्या मस्त किस्म का मेरा हेयर कट लगेगा। लेकिन आगे जो फ्लिप जो मैंने खुद ही कैंचियाँ मार मार के खराब किया हुआ था, हम उसको भी एंड पर जो है वो ठीक करवाएंगे। खैर अभी होगा ब्लो ड्रायर और जो है वो मेरे बाल जो है उनका अच्छा सा वॉल्यूम निकल आएगा, तो लेट्स अच्छे से ब्लो ड्राई करते हैं इसको।
3 hours later. कितने मस्त लग रहे हैं. तो मेरा हो चुका है हेयर कट डन और मैं इतनी सेटिस्फाइड हूँ, इतनी सेटिस्फाइड हूँ, मतलब इतने मस्त लग रहे हैं ना मेरे बाल, इतने बाउंसी मेरे थे भी ना. मुझे सब कहते थे कि इसके बाल कितने पतले हैं, कितने पतले हैं. तो आज इसका सोल्यूशन मुझे मिल गया कि अगर आपके भी बाल पतले पतले हैं और ऐसे लगते हैं ना कि चिपके चिपके से हैं, तो आप जो है ना इस तरह का हेयर कट करवा लें तो आपके बाल जो है ना इतने मस्त हो जाएंगे ना कि आपको आपके बालों से हो जाएगा प्यार, जैसे मुझे हो गया है. इतना अच्छा इन्होंने हेयर कट किया ना, मुझे तो इनसे प्यार हो गया. एक इनसे प्यार हो गया और एक इनकी कैंची से प्यार हो गया. ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं. तो मैंने अपना हेयर कट करवा लिया है. तो मैंने सोचा कि हेयर कट इतना अच्छा है तो मैंने पेडी भी करवा ही लेते हैं. ये जो मेरे हाथों की मरम्मत होने वाली है ना, 10 सालों से मैंने नहीं कराई, तो मैंने सोचा कि करवा लेते हैं. घर पर ही मैं पानी गर्म करके अपने हाथ पांव धोने लग जाती थी, तो मैंने सोचा कि आज सैलून का चक्कर लगाया है. पूरा 200 रुपये का पेट्रोल ला के दिया था तैयब को, तो उसको अच्छे से वसूल करते हैं. तो चलते हैं, मैंने पेडी करवाते हैं और आपने कॉमेंट सेक्शन में बताना कि निंदा के बाल कैसे लग रहे हैं. मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं. तो चलते हैं, मैंने पेडी करवाते हैं. और ये है मैनीपेडी का रूम जहाँ पे बेशुमार नेल पेंट्स हैं, और इस कुर्सी पे बैठ के मैं अपने हाथ और पैरों की मरम्मत करवाऊंगी. और मेरा मैनीपेडी भी डन हो चुका है. मैंने फ्रंट चार्ट करवाया क्योंकि मैंने मेरून नेल पेंट लगाए थे, तो मैंने सोचा कि समथिंग चेंज. तो अब मेरा हेयर कट भी हो चुका है, मेरा फ्रंट चार्ट भी हो चुका है. तो जो इंटरव्यू मैंने देना था वो मेरे फ्रेंड बहुत टाइम से वेट कर रही है. तो अब हम चलते हैं और वहाँ पर जाकर मैं आपको अपनी दोस्त से भी मिलवाऊंगी और वहाँ पर हम इंटरव्यू भी देंगे. और जो मेरा हेयर कट कैसा था, मेरा फ्रंट चार्ट कैसा लग रहा है, ये मैंने शिमालास लेजर एंड एस्थेटिक क्लिनिक से करवाया था. तो अपना रिव्यू दीजिएगा और हम चलते हैं इंटरव्यू के लिए. सोचा था तैयार हुई हूँ तो तस्वीरें खींच लूँगी, लेकिन डे लाइट ही चली गई, तस्वीरें नहीं खींच सकती अब मैं. तो हम बस चलते हैं और इंटरव्यू ही देते हैं. तो हम लोग जो है जहाँ पर इंटरव्यू था वहाँ पर आ गए. तो अब हम लिफ्ट से जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पर, क्योंकि मेरा जो इंटरव्यू है वो है, लिफ्ट नहीं चल रही. तो फाइनली हमें जो है वो आमना आदिल मिल चुकी हैं. इन्होंने मेरा इंटरव्यू लेना था, इनको ढूंढने में मुझे इतना टाइम लगा, पैदल मैं वहाँ से चल के यहाँ तक आई हूँ, क्योंकि हमें बस अच्छा बहुत सी रेट में जाना था. तो ये मैंने नहीं करती है. चीटिंग नहीं करती यार.
फाइनली मैं फारिग हो चुकी हूँ। आमना जो इस वक्त खाने में इतनी शदीद मसरूफ है, इसने हम सबका खाना हराम करके, मतलब हम लोगों को खाना नहीं दिया, इसने हमसे इतनी गेम्स खिलवाई हैं। बस कर दो अपना तुम्हारा डब्बा पैक हुआ पड़ा है। हाँ, मैंने थोड़ा सा खाया लेकिन मैं रिलैक्स होकर घर जाके खाऊंगी। खैर, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था प्ले एंड विन के साथ। फर्स्ट टाइम मुझे कुछ चेंज करने को मिला। जब भी मैं कोई इंटरव्यू देती हूँ तो मुझे हमेशा कहते हैं कि आप बोले 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 बोले, तो मैं कहती हूँ भाई मैं कितना बोलूँ, मैं एक इंसान हूँ। लेकिन आज जो था वो मुझे इस्तेमाल किया गया अच्छे तरीके से, मतलब यूटिलाइज किया गया मुझे अच्छे तरीके से। मुझे गेम्स खिलवाई गई 3 तरह की, जो कि बहुत मज़े की थी और बहुत मज़ा आया, रियली बहुत मज़ा आया। और मैं आपसे भी कहूँगी कि आप लोग प्ले एंड विन का जो भी सेगमेंट होगा आप उसको ज़रूर देखिएगा। और क्योंकि मैं अपने इंस्टाग्राम पे अक्सर लिंक शेयर करती हूँ, तो वेन एवर आई शेयर द लिंक, तो आप लोग ज़रूर इसको क्लिक करके देखिएगा। क्या मुझे बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच आमना फॉर इनवाइटिंग मी, और ये KFC और इस KFC के लिए शुक्रिया। खैर, अब मैं हो चुकी हूँ इतनी ज़्यादा लेट कि अब मेरी मम्मी पता नहीं मुझे घर भी घुसाएँ कि ना घुसाएँ। हैं तो तैयब ने खाना खा लिया। तैयब भी खुशी से पागल हो गया कि शुक्र है इसने मुझे खाना तो पूछ लिया। मैं इसको घर से कह के आई थी तू चल मेरे साथ, मुझे खाना भी खिलाऊंगी, तो वो भी हो गया सीन। खैर, अब हम लोग जाएंगे घर क्योंकि मेरे ख्याल से 12 बजने वाले हैं, तो इससे पहले अम्मा मुझे घर से बाहर निकालें, तो घर चलते हैं। और मैं आपको अल्लाह हाफिज़ कहती चलती हूँ, मतलब मेरी तरफ से आपको अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा मेरा आज का दिन जो मैंने ज़ाया किया, मैंने तो जो स्पेंड किया आप के साथ और सलोन में मैंने हेयर कट करवाया। खैर, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।